जय हिंद एवरीवन। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट इफ स्टेटमेंट एंड इफ एल्स स्टेटमेंट। अगर आप इस प्रैक्टिकल को अपनी मैथ्स प्रैक्टिकल फाइल में लिखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स या पिंड कमेंट में दिए हुए लिंक को क्लिक करके वहां से आप फाइल में प्रैक्टिकल को लिख सकते हैं। इफ स्टेटमेंट और इफ एंड एल्स स्टेटमेंट दोनों ही कंडीशनल स्टेटमेंट है। दोनों ही केसेस में हम एक कंडीशन या लॉजिकल एक्सप्रेशन लिखते हैं। अगर उस लॉजिकल एक्सप्रेशन की वैल्यू ट्रू है तो इफ स्टेटमेंट क्या करता है, हमें अलाउ करता है कि हम एक एक्शन ले सके या एक स्टेटमेंट जो है उसको एग्जीक्यूट कर सके। लेकिन इस केस में, इफ स्टेटमेंट के केस में, अगर हमारे लॉजिकल एक्सप्रेशन जो है वो फॉल्स निकलता है तो उस केस में ये किसी भी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किए बिना सीधे प्रोग्राम को एंड कर देता है, जो हमारा इफ स्टेटमेंट है। और वहीं हम अगर इफ एंड एल्स स्टेटमेंट की बात करें तो उस केस में हमारे पास दोनों पॉसिबल एक्शन होते हैं, यानी जो भी हमने कंडीशन या लॉजिकल एक्सप्रेशन दिया है अगर उसकी वैल्यू ट्रू होती है तब तो हमें पता होता ही है कि हमें क्या एक्शन लेना है। और अगर वो वैल्यू कंडीशन जो है वो फॉल्स आती है, लॉजिकल एक्सप्रेशन या जो कंडीशन हमने दिया है वो अगर फॉल्स आता है तो उस केस में भी हमें पता होता है कि हमें किन स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट। इफ स्टेटमेंट का हमारा जो सिंटेक्स है कुछ इस तरह से है। सबसे पहले इफ लिखते हैं हम, उसके बाद एक स्पेस देके हमारा जो भी लॉजिकल एक्सप्रेशन है उसको टाइप करते हैं, यानी कंडीशन देते हैं। अगर ये कंडीशन जो है वो ट्रू होती है तो उस केस में हम स्टेटमेंट देते हैं कि क्या हमें एक्शन लेना है या क्या इंस्ट्रक्शन फॉलो करने हैं, और उसके बाद प्रोग्राम को एंड कर देते हैं। लेकिन यही अगर हमारा इफ एंड एल्स स्टेटमेंट है तो उस केस में हम इफ कंडीशन जो है वो वाली लाइंस तो लिखते ही हैं, यानी इफ उसके बाद स्पेस देके लॉजिकल एक्सप्रेशन, और ट्रू होने के केस में जो स्टेटमेंट फॉलो होगा या इंस्ट्रक्शन फॉलो होगा वो देंगे। साथ ही साथ अगर ये लॉजिकल एक्सप्रेशन फॉल्स होता है तो उस केस में हम जो क्या स्टेटमेंट या एक्शन लेना है, क्या इंस्ट्रक्शन फॉलो करते हैं वो भी हम एल्स टाइप करके उसको भी देते हैं और फिर एक प्रोग्राम एंड कर देते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक, हमने नेचुरल नंबर एंटर किया, ठीक, और हम चाहते हैं कि अगर ये नेचुरल नंबर इवन है तो हमारा मैसेज डिस्प्ले हो कि एंटर नंबर इज इवन, और अगर ये नंबर इवन नहीं है तो मैसेज डिस्प्ले हो कि एंटर नंबर इज नॉट इवन। तो उस केस में इफ एंड एल्स स्टेटमेंट का यूज कुछ इस तरह से कर सकते हैं। सबसे पहले हमें एक कमांड देना पड़ेगा नेचुरल नंबर एन को एंटर करने के लिए, डिजायर्ड नेचुरल नंबर को। उसके बाद हमने ये इफ एंड एल्स कंडीशन का जो सिंटेक्स है उसको फॉलो करते हुए लिखा इफ, और स्पेस देके ये हमारा जो है ये लॉजिकल एक्सप्रेशन है। इसको मैंने मॉडुलो फंक्शन के इस्तेमाल से लिखा है। मॉडुलो फंक्शन क्या होता है, ये इस वेरिएबल ए को जब हम बी से डिवाइड करते हैं तो ये फंक्शन जो है वो हमें रिमाइंडर जो है वो देता है, ठीक। तो मैंने लॉजिकल एक्सप्रेशन लिखा जिसके अकॉर्डिंग अगर हमने नेचुरल नंबर एन को नंबर टू से डिवाइड किया और रिमाइंडर अगर हमारा जीरो के इक्वल है, ठीक, यानी ये लॉजिकल एक्सप्रेशन अगर ट्रू वैल्यू देता है तो उस केस में हम क्या करेंगे, ये स्टेटमेंट जो नेक्स्ट मैंने लिखा है ये हमारा एग्जीक्यूट होगा, यानी डिस्प्ले हो जाएगा कि इंटर नंबर इज एन इवन नंबर। और अगर ये जो लॉजिकल एक्सप्रेशन मैंने लिखा है ये अगर फॉल्स होता है, यानी रिमाइंडर जो है एन को टू से डिवाइड करने पर जो मिलता है वो जीरो के इक्वल नहीं है, इसका मतलब है कि टू जो है वो इंटर नेचुरल नंबर को डिवाइड नहीं कर रहा है, तो एल्स में मैंने लिखा कि डिस्प्ले द इंटर नंबर इज नॉट एन इवन, और उसके बाद प्रोग्राम को एंड कर दिया। तो ये जो यहाँ पर दो इक्वल साइन मैंने लिखा है, ये जब हम किसी वेरिएबल को कोई फिक्स्ड एक कांस्टेंट वैल्यू के इक्वल पुट करते हैं तो हम ये डबल इक्वल साइन लगाते हैं। इसको हमें कंफ्यूज नहीं होना है सिंगल इक्वलिटी ऑपरेटर जो होता है, असाइनमेंट ऑपरेटर, उससे, ठीक। यहाँ पर हमें डबल इक्वल साइन ही लगाना है। तो चलिए इस प्रोग्राम को हम लोग साइलैब के कंसोल विंडो में टाइप करके और रन करके रिजल्ट को देखते हैं। आप देख सकते हैं कमांड्स को मैंने पहले ही टाइप करके रखा हुआ है। पहली लाइन में मैंने इनपुट फंक्शन का यूज किया है और टाइप किया है एन इक्वल इनपुट, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर डबल कोट्स के अंदर मैंने लिखा है इंटर द नंबर एन इक्वल। इस कमांड की हेल्प से क्या होगा, जब हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो हमें एक मौका मिलेगा कि हम जो भी नेचुरल नंबर जिसको चेक करना चाहते हैं कि वो इवन है या ऑड, उसको हम एंटर कर सकें, ठीक, उसकी वैल्यू असाइन कर सकें। उसके बाद मैंने इफ एंड एल्स स्टेटमेंट का यूज किया है। तो पहले मैंने टाइप किया है इफ, उसके बाद मुझे एक लॉजिकल एक्सप्रेशन या कंडीशन देनी है जिसकी ट्रू होने के कंडीशन में डिस्प्ले होगा द एंटर नंबर इज एन इवन नंबर, और अगर ये लॉजिकल एक्सप्रेशन या कंडीशन फॉल्स होती है तो उस केस में मैं शो करूंगी, मैंने कमांड दिया है एल्स लगाकर कि डिस्प्ले द एंटर नंबर इज एन ऑड नंबर। और ये दोनों कंडीशन जब मैंने ट्रू और फॉल्स दोनों के लिए दे दी तो लास्ट में मैंने एंड टाइप कर दिया। तो अब ये लॉजिकल एक्सप्रेशन या जो मैंने कंडीशन दी है वो है क्या,
उसको देने के लिए मैंने एक और फंक्शन मॉडुलो फंक्शन का यूज किया है। उसके लिए मॉडुलो टाइप करके स्मॉल ब्रैकेट के अंदर एन कॉमा टू लिखा है मैंने। तो ये एन जो मॉडुलो फंक्शन क्या करता है, ये पहला मैंने जो भी वेरिएबल टाइप किया है जैसे कि यहाँ पर एन है, उसको ये सेकेंड वेरिएबल जो भी एंटर्ड है वो डिवाइड करेगा। जैसे यहाँ पर एन को टू डिवाइड करेगा और रिमाइंडर मिलेगा। ठीक, तो उसके बाद मैंने देखा कंडीशन, लॉजिकल कंडीशन देने के लिए क्या किया कि ये जो भी रिमाइंडर आएगा वो इक्वल जीरो के है या नहीं। अगर ये ट्रू है यानी रिमाइंडर जीरो है, तो इसका मतलब टू जो है वो मेरे एंटर नेचुरल नंबर को डिवाइड कर रहा है, यानी तो एंटर नंबर इज एन इवन नंबर। और अगर ये लॉजिकल जो एक्सप्रेशन है वो फॉल्स रिजल्ट देता है, कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है यानी रिमाइंडर जीरो के इक्वल नहीं है, तो उस केस का मतलब है कि जो एंटर नंबर है वो टू से डिविजिबल नहीं है। तो उस केस में एल्स लगाकर मैंने लिखा है कि एंटर नंबर इज ऑड नंबर या एंटर नंबर इज नॉट एन इवन नंबर। ठीक, तो ये हमने एक्सप्रेशन दिया, तो उसी के हिसाब से ट्रू आने पर ये पहला हमारा जो डिस्प्ले है ऑप्शन वो डिस्प्ले होगा, और अगर ये फॉल्स आता है तो ये सेकंड जो है वो डिस्प्ले होगा। ये दो इक्वल साइन जो है, जब भी हम किसी वेरिएबल को किसी नोन फिक्स्ड वैल्यू के इक्वल चेक करना चाहते हैं तो उस समय हमेशा हमें दो इक्वल साइन लगाने होते हैं। ओके, तो इस तरह से चलिए प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं। ठीक, तो ये देखिए प्रोग्राम रन होने पे कॉन्सोल विंडो में हमसे पूछ रहा है एंटर द नंबर एन। चलिए यहाँ पर मैंने 7 टाइप किया, एंटर किया। ठीक, तो देखिए हमारा रिजल्ट मिल गया, एंटर नंबर इज एन ऑड नंबर। ओके, अब चलिए फिर से एक बार प्रोग्राम को रन करते हैं, और अब की यहाँ पर मैं देती हूँ 34 और एंटर किया, तो देखिए मिला द एंटर नंबर इज एन इवन नंबर। इस तरह से कुछ हम इवन इफ एंड एल्स जो स्टेटमेंट है उसका यूज कर